अस्सलाम वालेकुम। जाने मिला तेरे को ऐसी क्यों सी, लेकिन दूसरे मजहबों में जो कुर्बानी का था। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल दी व्लॉग्स। तो गाइस अपन आ गए बहुत दिनों के बाद यहां पर फिर से व्लॉगिंग करने। तो बहुत दिनों का हो गए बोले तो हमारे थे एग्जामा में बहुत बुरा हो गया भाई, क्या बोलते। अब तो अपन आ गए ऐसा फजर की नमाज पढ़ के, देख सकते हैं आप लोग दिन पूरा कैसा चल रहा। और यहाँ पर देख रहे जानवर बकरी ईद का, तो अपन इशाक भाई को बुला ले। तो गाइस देखो मौसम ऐसा है, अबर अबर आई हुई है, लेकिन वहाँ से धूप निकलने की उम्मीद है। अगर धूप निकली तो इंशाल्लाह ईद की नमाज अपन ईदगाह में पढ़ेंगे। अगर बारिश हुआ तो अपने वन एंड ओनली मजीद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु, खैरियत पहचान देना है बच्चे को खत्म। एक बार स्माइल कर दे। तो अपन कहाँ जा रहे हैं, बोल रहे नहीं अपन, देखो जा रहे अभी पेट को वेलकम होटल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? वेलकम होटल जा रहे हैं। जरा जोर से बोलो, हवा की आवाज से। वेलकम होटल जा रहे बच्चे लोग। कंट्रोल। तो देखो एक महीना का गैप हो गया है पूरा, मैं कुछ कैसा ही दिख रहा हूँ। मैं रोज अपने यूट्यूब चैनल को देख ले रहा हूँ, साला ये मेरा यूट्यूब चैनल होता था, आज ब्लॉग डालेंगे कल डालेंगे बोलते ही। भाई मेरे पास ऑलरेडी एक दो ब्लॉग रेडी थे, क्या ज़रा एडिट करके ज़रा अपलोड कर रहे तक मामला ख़त्म हो रहा था, तो कुछ नहीं हो सका। देखो हमारे से कुछ नहीं हुए तो अपन क्या करें, अब सीधा एग्ज़ाम के बाद डालेंगे ना बोले तो। अभी वो दलिंदर एग्ज़ामों में भी बीच में दो छुट्टियां दे के एग्ज़ाम पोस्टपोन करा। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। अब सीधा एग्ज़ाम जो है 15 तारीख को करा, तो अपन क्या है बोले तो ईद है बना देंगे ना, बल्कि यहाँ से शुरू कर रहे। देखो इंशाअल्लाह यहाँ पर हफ्ते में दो तो कंपलसरी रहेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो, ईद का दिन है, दुआ जल्दी खूब बोलो थी क्या करो। और ऐसी क्या बोलते दो लोग अभी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे वीडियो को अभी से कर दो, आगे वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। देखो तो मिलेंगे आप लोग वहाँ वेलकम होटल में। होटल नहीं खुलने से पहले आक्रमण। तो यहाँ पर अपन देखो जबरदस्त अल्लाह तक सूदी है हमारा दोशा नहीं बताया आप लोगों को, बहुत बड़ा था। लेकिन आप लोग आ जाइए, होटल नहीं खुलते थे पहले पब्लिक कैसी आके ये रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रहते भाई, कौन से ऐसा बोले रोड पूरी खाली है, पै 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 कर ले जा रहा, क्या बोल रहा हूँ। तो अपन मिलेंगे सीधा आपको तैयार होते वक्त, बोले तो रेडी होके लिख ले कर ले तक वहाँ पे मिलेंगे अपन। तो अब तक कोई भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब को नहीं दबाए, जल्दी जाके दबा दो और वीडियो आखिरी तक देखो, बहुत बेहतरीन मज़ा आने वाला है। चलो A few moments later. अपन हो गए रेडी, दिस इज आवर आउटफिट। गाइस देखो हमारे भाई सुला है, यहाँ पर नमाज 8 बजे है, तो भाई यहाँ से निकाल रहे हमारे 8:40 को। वाह
10 मिनट में कवर करना हो जाता। आज अपन जा रहे, देखो हमारे धन्नो, दिस इज धन्नो। वेदर इज ऑल्सो गुड फ्रॉम हियर, सन इज राइजिंग, दिस वेदर हैशटैग नाइस। दिस इज कोई तरीका है भीख मांगने का? अरे आइन टाइम पे आते गा रहे, बैठो बैठो। तो हमारे साथ और एक अकेला है आयाज बोल के, मालूम ही छूंगा मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है भाई। तो जल्दी दबा के लिख जाओ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन दूसरे मजहबों में जो कुर्बानी का तस्वीर है, दूसरे मजहबों में जो कुर्बानी की जाती है, सबसे महबूब और पसंदीदा चीज है, तुम उसको मेरी राह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश, और फिर बाप बेटे के दरमियान में तरह बातें हुई, राजो न्याज की बातें हुई, और फिर किस तरह ये कुर्बानी का मामला पेश आया, आप वाकया सुनते रहते हैं। और कुर्बानी का ये अजीम फरीजा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और इसी सुन्नत तबारक तआला हम तमाम की हाजिरी को कबूल फरमाए। हजरत मोहतरम, अब फिर इसी कुर्बानी की नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया इकराम ने कुर्बानी की है, और इसी कुर्बानी की तरकीब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद दिलाई। सरकार की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मा हादिहिल अबाही, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या है? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काला सुन्नत अबीकुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कुर्बानी से हमें मिलेगा, इसमें फायदा क्या है? या रसूल अल्लाह इस कुर्बानी के करने में हमें क्या फायदा मिलेगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तब जब तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी करोगे, जब अल्लाह के नाम से जानवर ज़बह करोगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उस जानवर के हर बाल के बदले में नेकी अता फरमाएगा। तो ये है कुर्बानी की हकीकत। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मस्जिदें आबाद कीजिए, पंजरा वक्त नमाज पढ़ी। ये बच्चा व्लॉग में लो लो बोल के दम करता था। जबी ब्लॉग के व्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो गाइस अस्सलामु अलैकुम, आप सभी लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक, और आपकी फैमिलीज को भी मुबारक। सबको मुबारक भाई। अब जाएंगे सीधा सो जाओ, उड़ाना है, उड़ा के पतंग, पतंग नहीं रे, तो अपने चिश्ती है, अपने चिश्ती है माशाल्लाह। दिस तो हमारे डाडा नगर की शान, डाडा नगर की शान मुफ्ती साहब, हमारे सरफराज साहब, सरफराज उनके सामने है। जान मेरे उतर रहा है भाई, मैं तो बैठता हूँ गाड़ी में, बीच में बैठा। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, भाई तुम बड़ा ऑटो लेने का छोटा ऑटो, ऑटो लेके नाम पहली मल्ला पहली करने वाले हैं। गाइस अपन आए थे लल्लपे लेने, लल्लपे नहीं मिला हमारे को, निराश होकर जाना पड़ रहा, बहुत ही अफसोस की बात है यहाँ पर। आयास क्या हुआ, निराश दिख रहे हैं? होना था मेरे को, नहीं मिला। क्या नहीं मिला तेरे को, ऐसी क्यों सी? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जान दे जान दे, अगले साल लेंगे, जान दे जान दे रहे भाई, अगले साल लेंगे। यहाँ पर अपन लोग असली हालत पे आ गए, अब यहाँ पर हम लोग रहते कामा जो कि मालूम ही आप लोगों को। सॉलिक भाई इतना बोला, और खैरियत है? माशाल्लाह चेहरे पे नूर मस्त दिख रहा। शुक्रिया भाई,
अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक। 2000 years later. तो ये बार अपन गुंडो नहीं बना के सीधा कटिंग बना के जा रहे हैं। तो दोपहर के बज रहे 4, धूप तो माशाल्लाह बोल रही, और अपन देखो अली कटिंग बना के निकले। गुंडू कराने का था मार, नहीं कराया गुंडू, पिछली बार इस करा था बल्कि ये बार नहीं करा, इसलिए कटिंग बना के ऐसा निकल गए साग भाई के साथ। साग भाई की दनों आज पूरी फुल मार मार हो रही सुबह से। तो मैं हो गया फ्रेश होकर, यहाँ पर बेहतरीन शर्ट पैंट डालने के बैठे हुआ हूँ, और अब वहाँ को जाना है बार बार दोस्तों से रिश्तेदारों से मिलना है, गोश वोश बांटना है, बांटने के बाद फुल हो जाता। तो आप लोगों को भी फिर से ईद उल अदा बहुत बहुत मुबारक, दुआ में याद, सबको खिलाओ और खाओ, एंजॉय दिस ईद, और अस्सलाम वालेकुम, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।